मिला किस पक्ष से, खस्ता हाल में जब खस्ता हाली में भरण बरसाई बादल ने बोया खुश्क नए दर्शन से और श्रद्धा से मन पावन हुआ मेरा। चरण पंकज के लगते ही ये भवन पावन हुआ मेरा। के ही कारण हुआ है, आपकी आज्ञा देने में देरी होगी, पर इस दास के पालन करने में विलंब नहीं होगा। असुरों के अत्याचारों से मैं प्याकर में अकुल आया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। तू दे अपने राम लखन, दे दे मुझे कुछ दिन के लिए। इसमें तुमको सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति उनकी। मुझे लगता है कि आपने बात खुद विचार कर नहीं कही। कह निश्चर कहा तो अत्यंत अत्यंत कठोर भयंकर निशाचर और कहां पर मेरे मासूम राजकुमार। भला वह उन दुष्टों से मुकाबला कैसे करेंगे। हे स्वामी, आप धन दौलत राज ताज जो कुछ मांगो मैं निमित्त मात्र में दे सकता हूं, पर राम राम तो मेरा सहारा है, मेरा प्राणाधार है। मैं उसे किस प्रकार से दे सकता हूं। स्वामी दोनों बालक भोले भाले नादान से हैं, वो रण विद्या को क्या जाने, लड़ने में अभी अजान से है। लोग राज ताज दौलत तस्कर इसमें मुझको इनकार नहीं, यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं करूं, इसमें कोई इकरार नहीं। स्वामी सभी समर्पण है, जो कुछ भूल समन के हैं विप्र विचार कर वचन करो, वो
पुत्र दारू जो थे उनके लिए। फिर राम तो है आराम मेरा, कब मुझको विरह गवारा हो, जब वो ही मेरा खजाना है और वो ही मेरा सहारा हो। अयोध्या नरेश, यज्ञ जैसे मंगल कार्य है तू, अमंगल की बातें करते हो, ये तुम्हें स्वभाव ही देता कार पूर्वक ठीक ही। अरे जाना मुझे किताब, या तो मेरे साथ कर या मेरे साथ जा। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं सोता है, सब सच के बाद समेत हुए फिर भी माया में। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी अनबन, इतने दिनों के देने में इतनी देरी, इतनी उलझन। यदि मैं आज जाके विष्णु से कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से जब फरियाद करता तो हिल जाता उनका भी आशीर्वाद। मांगा तो मैंने तुमसे वचन, इसमें तुमको संताप हुआ, दिल तेरा और मेरा दुखा, इस पुण्य कार्य में पाप। हे स्वामी, आपके यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं चलने को तैयार हूं। मांगो मुनि महाराज, यज्ञ की रक्षा के काज, चाहे सेना गजबाज, चाहे धन धाम को, थाने शमशीर तीर रणधीर वीर, सोजा सो गंभीर दलदल से संग्राम को। मांगो राज विश्वाधीश, मांगो चाहे मेरा शीश, बांध लो चाहे शरीर मेरा हड्डी और दाम को। आप तो दया निदान है, कितना ही मांगता हूं, जो मांगो मांगना है मांगो, पर न मांगो प्यारे राम। राजन, सत्यवादी में बनता है, अरे ना भूल हरिश्चंद्र दानी को, वचन रखा था जिसने बेचकर पुत्र और रानी को, किसी के वंश में होकर। अरे तू ऐसा भट्टा लगाता है जो राम लखन को देने में नाहक को क्षमा करे महाराज, मैं राम और लक्ष्मण को देने में असमर्थ हूं। अच्छा राजन, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम ये सोचेंगे कि सूर्यवंशी राजा अब साधु सेवा करने के काबिल नहीं है, हम जा रहे हैं। सुमंत जी, आप जाइए और महलों से राम और लक्ष्मण को लेकर आइए। आप
कल्याण हो। प्रणाम। आओ मुनिवर, आज ये दशरथ अपने कुल गुरु के सामने अपने दोनों पुत्रों का हाथ आपके हाथ में देता है। लो हाथ में हाथ नाश इनका, ये दोनों भोले भाले हैं। हे स्वामी, ये फिक्रा याद रहे मेरी नाचों के भाले हैं। हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं भला इनकी क्या रक्षा करूंगा, ये तो स्वयं त्रिलोकी के रक्षक हैं। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, सूर्यवंशी कुमारों का ये कर्तव्य है कि अन्यायी को दंड दें और धर्म की रक्षा करें। पुत्र जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शत्रुओं को जीतने के लिए हम माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। जाओ पुत्र, अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ, जल्दी आना। माता जी प्रणाम। कैसे रहूंगा मैं लक्ष्मण, आप दोनों हमारे पास आने का कारण देखा। आज तुम दोनों ने कहाँ जाने की तैयारी कर रखी है बेटा? माता, माता हम तो जात है कौशिक मुनि के साथ यज्ञ सफल कर आए हैं। लखन लाल ले जाते हैं वन के बीच, देते हैं मुनि राज को दुष्ट निशंदर। बेटा अच्छी बात है, जब तुम्हारे पिता ने आज्ञा दी है तो मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकती हूँ। प्यारे हमारे होने नो के तारे जाना दिखाना चाहो।